हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एग्ज़ाम्स वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। आज एनटीपीसी CBT 1 की आंसर की आ चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं आंसर कीज़ कैसी देखनी है। अब हम रेलवे की RRB की वेबसाइट पर हैं। चलिए इधर नोटिफिकेशन की सारी लिस्ट है, इधर देखिए दोस्तों। 13 अगस्त 2021 CN01 2019 NTPC पोस्ट लिंक फॉर व्यूइंग ऑफ क्वेश्चंस पेपर रेस्पॉन्स एंड कीज एंड राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन इफ एनी। दिस लिंक विल बी एक्टिव फ्रॉम 16 अगस्त 2021 20 आवर्स टू 23 अगस्त 2021 11:55 आवर्स। इस पर क्लिक कर रहे हैं दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद ऐसा एक पेज ओपन होगा और इस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो भी जन्म दाखिल रहती है, बर्थ डेट, बर्थ मंथ, बर्थ ईयर डाल के लॉगिन करनी है दोस्तों। चलिए एक मैं एक NTPC छात्र के लॉगिन करके दिखाई देता हूँ कैसे लॉगिन करना है। आप लॉगिन करने के बाद ऐसे दिखाई देगा दोस्तों। कैंडिडेट डिटेल्स, इस पर आपके नाम और एप्लीकेशन नंबर, आप जहां एग्ज़ाम दिए थे, ये सारी जानकारी दी जाएगी दोस्तों। आप इस कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है दोस्तों। कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करना है। अगर कैंडिडेट रेस्पॉन्स अगर आपको नहीं दिखाई दे रहे, ऑल दिखाई दे रहे हो तो ऑल पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। चलिए देखते हैं। कैंडिडेट रेस्पॉन्स पर क्लिक करने के बाद इधर एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। इधर एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगी दोस्तों। टू डाउनलोड क्वेश्चन पेपर फॉर असेसमेंट RRB NTPC एग्ज़ाम क्लिक हियर टू जनरेट इट, यानी इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका एग्ज़ाम पेपर डाउनलोड हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे चेक करनी है। यहाँ दिखाई देगा दोस्तों आप कितने कौन सी डेट को अपने एग्ज़ाम दी थी, कौन सी शिफ्ट को अपने एग्ज़ाम दी थी। इधर देखिए नोट्स, नोट करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क पर क्वेश्चन, इनकरेक्ट आंसर विल कैरी 1/3 नेगेटिव मार्क, यानी अगर आप एक सही आंसर देंगे तो 1 मार्क्स आपके मिलेगी दोस्तों, अगर आप एक गलत देंगे तो 1/3 नेगेटिव मार्क, यानी 3 आंसर गलत किए तो आपकी 1 मार्क्स काट दी जाएगी दोस्तों। चूजन ऑप्शन शोन इन ग्रीन कलर विथ अ टिक का आइकॉन और करेक्ट, यानी हरा रंग से दिखाई गई ऑप्शन सही है। चूजन ऑप्शन ऑन द राइट ऑफ द क्वेश्चन इंडिकेट्स द ऑप्शन सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, यानी राइट साइड इस पर दिखाई, यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों, यहाँ पर दिखाई देगी दोस्तों आपने कौन सी आंसर सेलेक्ट की गई है, आपने आंसर किया है या नहीं। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो इधर नॉट अटेम्प्टेड लिखा होगा दोस्तों। चलिए देखो कैसे कैलकुलेट करना है ये देखते हैं।